हेलो स्टूडेंट, यूके स्टडी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि पिछली वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा, अब आगे न्यू ईयर में हम कुछ नया करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि पहले में हम लोग ज़्यादा बातें ना करते हुए, ज़्यादा आपके टाइम का वैल्यू को समझते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इसमें पूछे जाने वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे यानी करंट से जुड़े हुए, एक चीज़ ध्यान देना, एग्ज़ाम में जीएस आपकी वही पूछता है जो अपडेटेड होती है। यानी कि जैसे ही मान के चले लो आप लोग, क्या होता है कि जैसे अभी रिसेंटली आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेंज हुए, तो वहाँ पे पूछ लेगा आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन नियुक्त करता है, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन कब गठित हुआ था आपका, तो इस तरह से पूछते हैं। तो हम लोग आगे से क्या करने वाले हैं कि यूके स्टडी के जो ऑनलाइन पोर्टल है, यूट्यूब पोर्टल है, इस पर हम लोग क्वेश्चन भी पढ़ते जाएंगे और जीएस अपडेट पर चर्चा भी करते रहेंगे। तो ज़्यादा समय ना देते हुए आप लोगों के सामने स्क्रीन पर पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है। रिसेंटली नोबेल पीस प्राइज 2018 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड टू बी अवार्डेड, यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2018 किन्हें दिया गया। 10 दिसंबर को दिया जाता है, प्रत्येक 10 दिसंबर को दिया जाता है। मैं जूम करके बता देता हूँ आप लोगों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए आपके पास क्या है, डेनिस मुकवेज है। बी आपके पास क्या है, नादिया मुराद है, ठीक है ना। और सी आपके पास क्या है, याजिद मुटबे है। और डी आपके पास बोथ बी ए एंड बी दोनों। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या है, इन दोनों को दिया गया है, डेनिस मुकवेज और नादिया मुराद दोनों को दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, आपका डी राइट आंसर होगा इसमें, ठीक है ना। डी इसमें क्या होगा, राइट आंसर होगा। हम इनकी कलर चेंज कर लेते हैं, तो इसमें डी राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। ये भी आपका क्या होता है कि एग्जाम में, डियर स्टूडेंट, तो एग्जाम में पूछता है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ ADB इज सिचुएटेड, यानी कि आपका एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये मुख्यालय है आपका कहाँ पे, ये मुख्यालय कहाँ पे आपका, ठीक है ना, ये मनीला के अंदर है। मनीला यानी सी इसका राइट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर होगा मनीला, ठीक है। सी इसमें क्या होगा, राइट आंसर होगा मनीला, ठीक है। और इसके बारे में और कुछ बता देता हूँ आपको, ADB स्टैब्लिश हुआ था आपका 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था। हाउ मैनी मेम्बर कंट्रीज़, इसमें मेंबर कंट्रियाँ कितनी है यानी सदस्य राष्ट्र कितने हैं आपके, 67। और मनीला आपके फिलीपींस के अंदर इसके हेडक्वार्टर है। तो इससे जुड़ी हुई चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। विच इंडियन सिटी होस्ट वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, महिलाओं का जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ये कहाँ पे हुआ आपका, ये कहाँ पे हुआ आपका, न्यू दिल्ली के अंदर। इसे किसने होस्ट किया आपका, न्यू दिल्ली के अंदर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिख रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। द आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन हैज़ बीन रोल्ड आउट फ्रॉम विच सिटी, कि आयुष्मान जो आपका, सबसे पहले तो इससे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे कि आयुष्मान भारत जो योजना है या आयुष्मान स्कीम जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपका हेल्थ से संबंधित है। और रोल्ड आउट यानी कहाँ से शुरुआत हुई, तो ये 23 सितंबर, याद रखना इसका राइट आंसर क्या है, सी राइट आंसर है, रांची से स्टार्ट हुई आपकी, सी इसका राइट आंसर है। और 23 सितंबर, ठीक है ना, 23 सितंबर को जो PM मोदी द्वारा शुरू की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री won 2018 होपमैन कप, यानी होपमैन कप आपसे पूछेगा किससे है, तो ये आपका किससे है, टेनिस से, समझ रहे हो। होपमैन कप किससे आपका, टेनिस से है। और ये किसने जीता आपका, तो ये जीता है आपका स्विट्जरलैंड ने। काफ़ी अच्छा बन जाता है कि 2018 में होपमैन कप किसने जीता आपका, स्विट्जरलैंड ने जीता है। ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों का जल्दी हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रैक्टिस सेशन को आगे चलाते रहेंगे और आगे से कोशिश करेंगे कि हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ते रहें और करंट के क्वेश्चन भी करते रहें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करते रहें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, विच कंट्री won ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो 2018 ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट किसने जीता आपका, ये जीता है बच्चों इंडिया ने। इसका राइट आंसर ए राइट आंसर है इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है, विच इज़ द रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ टेलीकॉम इन इंडिया, भारत में दूरसंचार नियामक प्राधिकरण बोर्ड कौन सा आपका, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई,
ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या है? ए राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बच्चों यहाँ पे आप लोग साथ ही साथ नोट्स भी मेंटेन करते हुए चलेंगे, टॉप 20 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, इसी तरह से पर डे हम लोग क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया आपका, हु इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत में जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो साथ ही साथ नोट भी करेंगे, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है या सीएम कौन है। तो इससे पहले ज्योति बसु हुआ करते थे, अब सिक्किम के कौन हो गए आपके, पवन चामलिंग। 23 ईयर तक ये आपके क्या रहे, पीएम रहे हैं, 23 ईयर और 137 डे के आसपास है इनका, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इससे पहले ज्योति बसु हुआ करते थे वेस्ट बंगाल के, अब इनका रिकॉर्ड तोड़ के कौन आ गया, पवन चामलिंग सिक्किम के अंदर। ठीक है ना बच्चों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन के आपके सामने, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज ऑब्जर्व्ड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इंडिया के अंदर कब मनाया जाता है, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे ऑब्जर्व कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इज द इंडिया नेम्ड, भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी आपका, इसमें राइट आंसर क्या है, सी, ठीक है ना, अप्सरा, जो आपका कब हुआ था, 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था। और मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लेने का रीज़न क्या है बच्चों, कि आपका अप्सरा क्यों पूछा, अप्सरा 2009 में बंद हो गया था, इसमें जो भी, ठीक है ना, इसमें क्या आपका ये अपग्रेड हुआ, आपका 2018 में अपग्रेड हुआ है, तो इसे रिकमीशन किया गया अप्सरा को, तो इस अप्सरा के बारे में पूछ सकता है आपका, इससे पहले कब इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, नेहसा रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड, तो ये आपने देखा होगा काफ़ी एग्जामों में रिपीट होता है ये क्वेश्चन, पूछा जाता है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट भी करेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे, साथ ही साथ आप आंसर भी देते रहेंगे कमेंट्स में, तो बी इसका राइट आंसर कहाँ पे, हैदराबाद में, ठीक है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहाँ पे आपका, हैदराबाद में है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं हम लोग, द न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी इनेक्टेड इन द इंडिया ओनली इफ ऑफ द फॉलोइंग मेक अ रिकमेंडेशन, यानी कि भारत में अखिल भारतीय सेवाओं को कौन जोड़ सकता है, अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवाएं जोड़नी है तो किसके द्वारा जोड़ी जा सकती है। तो आप लोगों को इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 312 याद होगा, अंडर आर्टिकल 312 में क्या हुआ होता है कि आपका वर्तमान समय पे आपके तीन अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस हो गई, आईएफएस हो गई आपकी, ठीक है ना, और आईपीएस हो गई, ये तीन अखिल भारतीय सेवाएं हैं, और अंडर आर्टिकल 312 राज्यसभा के पास ये अधिकार होता है कि वो भारत में अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवा जोड़नी है तो लोग सिर्फ और सिर्फ किसके पास अधिकार होता है, राज्यसभा के पास ये अधिकार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, बी राइट आंसर इसका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, हु इज़ द नॉन एज फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो आपको लोगों को पता ही होगा ऑपरेशन फ्लड को चलाया गया था 1970 में, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध व्यवसाय से संबद्ध था, तो भारत में वाइट रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन किसे बोलते हैं, वर्गीस कुरियन को बोलते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग साथ ही साथ इनको नोट भी करते रहेंगे। अब क्या पूछ रहा है आपका, हु वॉन द मैन बुकर प्राइज़ 2018, 2018 का मैन बुकर प्राइज किसे दिया गया। जो आपका मैन बुकर प्राइज़ दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ, मैन बुकर प्राइज़ सिर्फ और सिर्फ किसे दिया जाता है, ये इंग्लिश नोबेल, जो भी इंग्लिश नोबेलिस्ट होता है, यानी कि जो आपका इंग्लिश उपन्यास के लिए दिया जाता है, तो ये किसे दिया गया आपका 2018 में, अन्ना वर्नस को दिया गया है, और इनकी बुक का नाम क्या है, मिल्क मैन के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, मिल्क मैन के लिए दिया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज इज इंडियाज ऑफिशियली एंट्री फॉर ऑस्कर 2018। तो ये आपका सुना ही होगा आप लोगों ने कि ऑस्कर के लिए जैसे एकेडमिक अवार्ड भी बोलते हैं, भारत को रिप्रेजेंट करेगा, इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसका नाम क्या है,
विलेज रॉक स्टार, जो आपका किससे संबंधित, ये आपका असमीज मूवी है। नेक्स्ट आपका द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज़ बीन एड्रेस्ड हर द रेजिग्नेशन, यानी कि आपका जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है, प्राइम मिनिस्टर को, भारत के प्रधानमंत्री को, बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति को, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नन ऑफ दीज, तो किसे देता है आपका, सी डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, और ये आपका किसको देता है, तो दोनों एक दूसरे को देते हैं, ठीक है ना। इसमें राइट आंसर क्या आपका, सी राइट आंसर है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग साथ ही साथ नोट भी करते रहेंगे। इन्हें वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब ऑब्जर्व होता है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि आपका विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 दिसंबर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है, द मोस्ट फेमस डांस ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक का मुख्य डांस कौन सा है इसमें से, ठीक है ना, तो इसके यक्षगान, बिहू, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी, तो कर्नाटक के अंदर जो मनाया जाता है वो कौन सा आपका मोस्ट फेमस डांस जो आपका कर्नाटक के अंदर, वो है आपका यक्षगान, यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, यूनेप, यूएनओ, आईयूसीएन और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, यानी किसके द्वारा की जाती है, तो ये जो विलुप्त प्राय जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए रेड डाटा बुक जारी की जाती है, तो ये कौन करता है, आईयूसीएन द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछ रहे हैं, चंडीगढ़ वॉज डिजाइन बाय, यानी चंडीगढ़ का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया, एडविन लुटियन के द्वारा, ठीक है ना, मैकलैंगो के द्वारा, या वरेन के द्वारा, या ली कार्बुजियस के द्वारा, किसके द्वारा किया गया, तो ये आपका राइट आंसर है ली कार्बुजियस, यानी डी इसमें राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, कल हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को करते रहेंगे, आप साथ ही साथ इनको नोट भी करते रहेंगे और इस सीरीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो बच्चों फिर कल से हम लोग क्लास शुरू करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।